तीन T20 मैचों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का हुआ ऐलान, इस खूंखार खिलाड़ी से रहना होगा सावधान। एक अकेला अफगानी पठान टीम इंडिया पर पड़ सकता है भारी, भारतीय पिचों पर जमकर मचाता है तबाही। 22 साल की युवा लड़की को सौंपी गई कमान, टीम इंडिया की सेना को जीत के लिए बनाना होगा खास प्लान। जी, वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया आखिरी बार किसी T20 इंटरनेशनल मुकाबले में भिड़ने को तैयार है। अफगानी पठान भारत की धरती पर तीन T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए आने वाले हैं। पहला T20 मुकाबला 11 जनवरी से शुरू होगा। अफगानिस्तान टीम ने क्रिकेट का ककहरा भारत की धरती पर ही रहकर सीखा है। एक तरीके से कहा जाए तो अफगानिस्तान का घरेलू ग्राउंड भारत ही है। अफगानिस्तान इस वक्त वर्ल्ड लेवल की टीम बन चुकी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अफगानी पठान टीम इंडिया की जीत में बड़ी बाधा बन सकते हैं। खास तौर से अफगानिस्तान टीम का ये प्लेयर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये खिलाड़ी अपनी गेंद से अच्छे अच्छे खिलाड़ी को फंसाने की क्षमता रखता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस खिलाड़ी जैसा फिरकी कोई नहीं है। ऐसे में इस खिलाड़ी से निपटने के लिए टीम इंडिया को खास प्लान बनाना होगा, खास तौर से युवा प्लेयर को। आपको बताते चले कि टीम इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान ने जो स्क्वाड चुनी है उसमें 22 साल के युवा ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को बतौर कप्तान चुना गया है। इसके अलावा कई अनुभवी प्लेयर भी शामिल हैं। राशिद खान भी इस टीम का हिस्सा है। राशिद की बात की जाए तो लंबे समय से वो IPL खेल रहे हैं और भारतीय पिचों पर खेलने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। खूंखार राशिद खान अकेले दम पर मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया के लिए खुशी की बात यह कि राशिद खान के खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में उन्होंने पेट की सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राशिद खान खेल पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। राशिद खान इस वक्त IPL में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा है। IPL में सबसे ज्यादा समय तक खेलने वाले राशिद खान अकेले प्लेयर हैं। राशिद पिछले 7 सीजन से खेल रहे हैं, इस बार उनका 8वां सीजन होगा। ऐसे में राशिद खान जिस भी टीम में रहे हैं उस टीम के लिए उन्होंने शानदार खेल दिखाया है। राशिद अपनी फिरकी में फंसाने की खूब क्षमता रखते हैं। राशिद अपनी गेंद से किसी भी पिच पर विकेट निकालने की पूरी ताकत रखते हैं। टीम इंडिया के स्क्वाड का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में आज या कल के दिन टीम इंडिया की घोषणा हो सकती है। टीम का चयन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाती है। रोहित और विराट की वापसी की भी बड़ी गुंजाइश है। इंडिया में ज्यादातर युवा खिलाड़ी ही खेलते नजर आएंगे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस स्क्वाड ने मुकाबला खेला है लगभग उसी स्क्वाड का खेलना तय माना जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अभ्यास के तौर पर भी ये मुकाबला काफी बड़ा होने वाला है। बता दें कि पहला T20 मुकाबला 11 जनवरी को, दूसरा 14 और तीसरा 17 जनवरी को खेला जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राशिद खान टीम इंडिया को छकाने में कामयाब होंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।